उत्तर प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण को लेकर घमासान जारी है। हाईकोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई हुई, इसमें राज्य सरकार की ओर से केंद्र के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी की। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं करेंगे, सीधा फैसला सुनाया जाएगा। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए तीन प्रकार की याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने अधिवक्ता विनायक को फटकार भी लगाई। हालांकि मामले में कोर्ट अब अगली सुनवाई 20 सितंबर को करेगा। बता दें कि ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार की पैरवी करने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ बैठक की थी। देखिए, ओबीसी की आज बहुत अच्छी बहस हुई, जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अभी भी मध्य प्रदेश में जो ओबीसी रिजर्वेशन है वो सिर्फ 14% रहेगा और इसको सरकार अभी 27% की श्रेणी में नहीं ला सकती। और इसकी अंतिम सुनवाई जो है वो 20 सितंबर के लिए रखी गई है और 20 सितंबर को अंतिम सुनवाई होगी।